अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस पास्ता की रेसिपी। इसे आप 10 से 15 मिनटों में बहुत ही आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी का मैक्रोनी पास्ता लिया है, आप देख सकते हैं इस पे नो मैदा लिखा है, तो आप इजीली अपने बच्चों को भी इसे खिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे सॉस पैन में 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था, तो अब मैं उसके अंदर 1.5 कप के तकरीबन मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। आपको जिस भी शेप वाला पास्ता पसंद है आप उसे बना सकते हैं, इनके सिर्फ शेप्स में फ़र्क होता है, टेस्ट इनका बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच तेल ऐड किया है। मैक्रोनी पास्ता या फिर नूडल बनाते वक्त आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो ये स्टिकी नहीं बनती है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि ये अच्छे से बॉईल हो और नमक का जो टेस्ट है वो इसके अंदर भी चला जाए। उसके बाद आप इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल होने दें। जैसे ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे थोड़ा सा निकाल करके एक पीस चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से पका है कि नहीं। उसके बाद हम इसे एक स्ट्रेनर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से इसे छान लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए। अगर आप इसे अपने बच्चे को सुबह टिफिन बॉक्स में देना चाहते हैं तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है टिफिन रेडी करने की, तो आप इसे प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं, 1 सीटी काफ़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पैन में 3 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर 1 छोटी चम्मच जीरा भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 लहसुन को अच्छी तरह से चॉप करके उसे भी इसके अंदर डाल दिया है। हम इसे हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज़ों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। हम प्याज भी इसके अंदर डाल देंगे और हमें इसे चलाते हुए लाइट पिंकिश होने तक फ्राई करते रहना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च को भी बहुत अच्छे तरह से चॉप कर लिया है और उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है इसलिए हमने प्याज़ों को इसके अंदर पहले डाला था। उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए अपने टमाटरों को डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटरों को चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 चॉप की हुई हरी मिर्च भी ऐड की है। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो कम ही डालिएगा, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो 1 ही डालिएगा, काफ़ी। यहाँ पे हम अपने गैस का फ्लेम लो करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढक करके पकाएंगे ताकि हमारी जो वेजीज़ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। वेजीज़ में आपके पास बीन्स, कैरेट या कैबेज हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और कलर भी इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद पैन में ही अपने वेजीज़ को एक साइड कर लेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है और यहाँ पे मैंने पास्ते में डालने के लिए 2 अंडे लिए हैं। बहुत लोग पास्ते में अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग इसमें अंडा डालना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने गैस के फ्लेम को लो पे रखेंगे और इसे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसे चलाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ऐसा बारीक बारीक सा कर लीजिएगा। उसके बाद हम वेजीज और अंडे के मिक्सचर को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच के तकरीबन ओरिगैनो भी ऐड करेंगे। ओरिगैनो ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद 4 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। टोमेटो सॉस हमने पास्ता के तीखेपन को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर डाला है, तो आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच चिली सॉस भी डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद अब हम अपने पास्ता को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे मसालों के साथ। अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स हो तो आप उसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ। मेरे पास स्लाइस चीज़ थी तो मैंने इसे ही डाला है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप उसे ग्रेट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसके ऊपर ऐड किया है। स्लाइस चीज़ डालने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमारा जो स्लाइस चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे इवेनली अच्छी तरह से मिला लेंगे और सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपीज़ की वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए आप लोगों के ऐसा करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पास्ता कितना रंग बिरंगा और डिलीशियस दिख रहा है ना। इसे आप सेम मेथड से बनाइए, बच्चे और बड़ों दोनों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही कम वक्त में आसानी से बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।